हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। सो गाइस, आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि ये इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, क्या इवेंट ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं, इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूंगा कि इवेंट ब्लॉगिंग किसे कहा जाता है, इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है और इवेंट ब्लॉगिंग से क्या हम पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, आज इन सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप भी कुछ ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल जल्दी, तो इवेंट ब्लॉगिंग आपके लिए एक बिल्कुल सही रास्ता है। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। सो गाइस, चलिए हम बात करते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग होता क्या है। सो गाइस, बेसिकली इवेंट ब्लॉगिंग जो है किसी इवेंट को टारगेट करके की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई इवेंट आने वाला होता है, उससे थोड़े दिन पहले किसी इवेंट को टारगेट करके उस इवेंट के ऊपर ब्लॉगिंग की जाती है। यानी इवेंट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है ऑनलाइन, उसके बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में वीडियो शेयर किए जाते हैं, उसके बारे में कुछ पोस्ट शेयर की जाती है, कुछ फोटोज शेयर किए जाते हैं। सो गाइस, इसे ही इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं। सो गाइस, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी अभी दीपावली गई है, तो आपको बहुत सारी विशिंग स्क्रिप्ट आई होगी अपने व्हाट्सएप पर, किसी भी सोशल मीडिया पर बधाई संदेश आए होंगे, तो इसको ही इवेंट ब्लॉगिंग कहा जाएगा। मान लीजिए किसी ने आपको दीपावली के लिए हैप्पी दीपावली का कोई ग्रीटिंग्स भेजा हो ऑनलाइन, जो ऑनलाइन खुलता हो, या फिर किसी इमेज भेजा हो, या फिर आपको ग्रीटिंग्स भेजा हो किसी इमेज का, किसी वीडियोस का, तो आपको ये सारे जो देखने को मिलता है दोस्तों, ये सारा इवेंट ब्लॉगिंग के थ्रू ही होता है। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है। ये किसी इवेंट को टारगेट करके ही उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कुछ पोस्ट शेयर की जाती है, कुछ फोटोस इमेजेस शेयर किए जाते हैं, या फिर कुछ वीडियोस भी शेयर किए जाते हैं दोस्तों इवेंट ब्लॉगिंग में। सो गाइस, इवेंट ब्लॉगिंग में हम किसी इवेंट को टारगेट करके ही कुछ लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं। सो गाइस, इसे ही इवेंट ब्लॉगिंग कहा जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ये इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, बेसिकली होता क्या है कि ये किसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है। कुछ विशिंग स्क्रिप्ट्स बनाई जाती है, कुछ इमेजेस डाउनलोड की जाती है, कुछ इमेजेस शेयर किए जाती है। सो गाइस, आपको पहले क्या करना होगा, अगर आपको इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। तो यहाँ दोस्तों मैं दो प्लेटफॉर्म के नाम लूंगा, पहला तो हो गया blogger.com और दूसरा हो गया WordPress। सो गाइस, आप इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं और अपना इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस फ्री ब्लॉग में क्या होगा कि आपको अपना थीम डाउनलोड करना होगा कहीं से अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए, और वहां पर अपने जो विशिंग स्क्रिप्ट होती है उसकी थीम को डाउनलोड करके आपको सिंपली लगाना होता है। एंड गाइस, ये जो विशिंग स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि विशिंग स्क्रिप्ट कैसे लगाई जाती है। सो गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। तो इवेंट ब्लॉगिंग आप किसी भी फ्री ब्लॉग को चूज करके आप अपना इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को टारगेट करके उससे थोड़े दिन पहले, यानी कि जब भी इवेंट आने वाला हो उससे थोड़े दिन पहले ही आप अपने उस इवेंट ब्लॉग को स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, इवेंट ब्लॉगिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप कोई भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, वर्डप्रेस या ब्लॉगर, आपके लिए दोनों बेस्ट है। अपना एक फ्री ब्लॉग बना लीजिए और वहां से अपनी इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या जरूरी टिप्स आजमाने चाहिए, किन किन चीजों को अप्लाई करना चाहिए। सो गाइस, देखिए, इवेंट ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना ब्लॉग जो है इवेंट के स्टार्ट होने से 30 या 40 दिन पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें अच्छे लॉन्ग टेल कीवर्ड डालने चाहिए, उसका अच्छा SEO करना चाहिए, और उसका जो थीम है दोस्तों, उसका जो थीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। नहीं तो आप किसी को विशिंग कुछ स्क्रिप्ट भेजेंगे, कुछ ग्रीटिंग्स भेजेंगे ऑनलाइन, तो अगर वो आपका ब्लॉग खोल के देखता है, आपकी जो विशिंग स्क्रिप्ट है उस पर क्लिक करके देखता है, तो उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा तो ही वो आगे शेयर करेगा, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। इससे आपको नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होगा। एंड गाइस, आपकी इवेंट ब्लॉगिंग में जो आप इमेजेस लगाते हैं उसमें आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस ही लगानी चाहिए। अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं लगाएंगे तो आपको वहां पे कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा कुछ सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो गाइस, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी पर, आपको अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस जैसे फीचर्स भी अपने ब्लॉग में देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग है बिल्कुल प्रोफेशनली लुक में आ जाएगा। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है और इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले कि इवेंट ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप अपना इवेंट ब्लॉगिंग क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आप अपने ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूवल करा लीजिए।
एडसेंस आपको पैसे देता है दोस्तों आपके ट्रैफिक के थ्रू। जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता जाएगा, एडसेंस आपको जो डॉलर्स है वो देता जाएगा, यानी कि आपको जो मनी है वो सारा आपके एडसेंस में आ जाएगा और आप अपने फ्री ब्लॉग से अच्छा खासा मनी भी जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग के फायदे और नुकसान क्या क्या है। सो गाइस, इसका एक फायदा है कि आपको जल्दी पैसे मिल जाते हैं नॉर्मल ब्लॉगिंग के थ्रू, आपको जल्दी कमाई होती है, बिल्कुल जल्दी ट्रैफिक आता है इवेंट ब्लॉगिंग पर। जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है उससे क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट है, आपकी जो विशिंग स्क्रिप्ट है, जल्दी वायरल होती है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू और आपकी इससे जो है कमाई है वो बहुत अच्छी बड़ी पैमाने पर होती है। सो गाइस, इसका एक नुकसान भी है कि आपको जो इवेंट ब्लॉगिंग है वो लॉन्ग टर्म इनकम नहीं देती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म इनकम है। जैसे ही आपका इवेंट खत्म हो जाता है आपकी कमाई रुक जाती है। आप इवेंट खत्म होने के बाद तो इवेंट ब्लॉगिंग करेंगे नहीं तो वो अनप्रोफेशनल कहलाएगा। आप इवेंट पर ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इवेंट के बाद नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कोई नया इवेंट ढूंढना होगा, जैसे ही कोई नया इवेंट आने वाला होगा तो आप उस पर इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, ये एक लॉन्ग टर्म कमाई का जरिया नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है। जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है आपकी कमाई भी रुक जाती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी है कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, इवेंट ब्लॉगिंग कैसे की जाती है और इवेंट ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।